टाइम्स के साथ तो काफ़ी टाइम तक यू नो हमारा जो आई थिंक एक साथ काम करना है या फिर उठना बैठना है, आई थिंक इट्स मोर लाइक अ फैमिली. और जब यू नो जब मराठी अवार्ड्स की बात आती है या फिर मराठी आइकन्स को लेकर बात आती है, आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि मेरा नाम यहाँ पे आया है. एंड यस, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड क्योंकि यू नो हौसला अफजाई तो डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम काम करते रहते हैं लेकिन यू नो जब अवार्ड मिलता है तो इट जस्ट फील्स नाइस. या इट जस्ट फील्स नाइस. गॉड, देयर सचिन पिलगांवकर, आई मीन ही इज़ लेजेंडरी. यू नो बहुत ही दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि विजू सर आज हमारे साथ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल दीज पीपल ना, इन सब लेजेंडरी एक्टर्स ने, इन सब लेजेंडरी आइकन्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मराठी इंडस्ट्री को यू नो एकजुट होके आई थिंक कहीं ना कहीं देव जस्ट ब्रॉट द बेस्ट यू नो. और आज जब हम लोग, हम यंग बच्चे जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इनका 2% भी हम लोग कर पाए ना तो बहुत है. मलंग के लिए बाप रे वर्कआउट तो काफ़ी किया है, एंड मलंग के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड, बट उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. विजू काका के जाने से इस इंडस्ट्री को ही नहीं, आई थिंक पर्सनली हर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा लॉस है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि यू नो ये लोग इंडस्ट्री की जान है, ये लोग इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है. तो यू नो आज जब अपना अपने घर का जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हमें जितना दुख होता है आई थिंक उससे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, बिकॉज यू नो हम कला से जुड़े हुए लोग हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जब आई थिंक एक पर्सन नहीं जाता, आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू नो दैट आर्टिस्ट, आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू मिस हिम. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कल्चर को भूल रही है. एट द एंड ऑफ द डे हर किसी की अवेलेबिलिटी और यू नो हर किसी को वहाँ पे पहुँचना कितना ज़्यादा, आई थिंक हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो यू नो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में जाए और फैमिली को सपोर्ट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर किसी को पॉसिबल होता है. और जैसा कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कह सकती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो हमको हर चीज़ में आर्टिस्ट को जज करना छोड़ना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि यू नो कल जाके हम लोग नहीं मिल सकते या उसके बाद हम जाके नहीं मिल सकते. एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो जो दुख है वो बांटना चाहिए, एंड उसके लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए. आई थिंक टू बी विद द फैमिली इज़ द बेसिक थिंग.